अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं दोस्तों। चाहे जिंसी कमज़ोरी हो, चाहे जिस्मानी कमज़ोरी हो, दिमागी कमज़ोरी हो, दिल जिगर मैदा कमज़ोर हो, तो दोस्तों आज ये नुस्खा इस मकसद के लिए दिया हुआ है। जिन दोस्तों के जो है जिस्मानी कमज़ोरी आ रही है, जिंसी कमज़ोरी आ रही है, नौजवान नस्ल है उसमें जो है हाथ का इस्तेमाल करके जो है अपने आप को कमज़ोर किया हुआ, दिमागी तौर पे भी कमज़ोर हैं, चीज़ रख के भूल जाते हैं कहाँ रखी थी, जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर हैं, थोड़ा सा चलते हैं टांगों में दर्द शुरू हो जाता है और गुर्दे भी ठीक नहीं रहते जिनके, उन दोस्तों के लिए बेहद इंतहाई मुफीद चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, हर मर्द की ज़रूरत है ये दोस्तों। मैं आपको इसके अज़ा बता देता हूँ आपको। देखिए, मगज़ कद्दू, मगज़ चलगोज़ा, कंद सिया, मगज़ खरबूज़ा और तरबूज दोनों इकट्ठे डाले हुए हैं, मस्तगी और सलब मिश्री, पिस्ता, खशखाश, तखम प्याज और मगज़ अखरोट, मगज़ खियारीन, मगज़ बादाम और ये है ज़ाफ़रान दोस्तों। बाकी सारे एक एक तोला हैं, इसमें से जो है 3 ग्राम आपने लेनी है मस्तगी रूमी, 3 ग्राम मस्तगी रूमी लेनी है, उसके बाद ज़ाफ़रान आपने 3 ग्राम लेना है, बाकी हर अज्जा जो है एक एक तोला है आप इसका मजून बनाएं। यह आपका ख़र्चा तकरीबन 4500 या 5000 तक ये ख़र्चा आपका लगेगा और बेहतरीन जो है आपका ये मजून तैयार हो जाएगा। और ज़ाफ़रान देखें, आपने अच्छे वाला ज़ाफ़रान लेना है, ये जिस तरह यहाँ पे ये ज़ाफ़रान पड़ा हुआ है तो पूरे कमरे में खुशबू आ रही है इसकी, तो दोस्तों बहुत ही खुशबू और नरम कोंपलें होती हैं इसकी, आपने इसकी पहचान करके लेना है। बाकी चीज़ें सारी आपको पंसारी से मिल जाएंगी, ज़ाफ़रान भी मिल जाएगा लेकिन ज़ाफ़रान आपने अच्छे वाला इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये आपने मजून तैयार करके, जिस तरह मजून तैयार किया जाता है, सुबह शाम एक एक चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें तो एक हफ्ते के अंदर अंदर जिंसी कमज़ोरी, चाहे जिस्मानी कमज़ोरी या फिर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रही, बच्चे पैदा करने वाले जरासूमें कम है या मोर्टेलिटी नहीं है उसके अंदर या पस सेल आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दूर कर देगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उन दोस्तों तक पहुंच सके जिसको इन नुस्खे की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।